नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है। देश भर में खास करके उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में छठ का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। छठ 4 दिनों का पर्व होता है। दिवाली के चौथे दिन नहाए खाए के बाद 5वें दिन खरना से असल छठ पर्व की शुरुआत होती है। इस साल खरना 29 अक्टूबर को पड़ रहा है। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना होता है। खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण। छठ के व्रत में साफ सफाई और स्वच्छता का बेहद महत्व है। पहले दिन नहाए खाए पर जहां तन की स्वच्छता होती है, तो वहीं दूसरे दिन खरना पर मन की स्वच्छता पर ज्यादा जोर दिया जाता है। खरना के दिन तन मन से शुद्ध होकर छठी मैया का प्रसाद तैयार किया जाता है और व्रती 36 घंटे तक का उपवास करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और प्रसाद में क्या खाया जाता है और क्या नहीं खाना चाहिए। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व के दूसरे दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। इस दिन शाम को मिट्टी के चूल्हे में और आम की लकड़ी पर खाना बनाते हैं। इसके बाद केले के पत्ते पर खाना खाने का रिवाज है। खाने में रोटी और गुड़ की बनी खीर के साथ ही केला खाने में शामिल करने का विधान है। छठी मैया को प्रसाद चढ़ाने के बाद व्रती बंद कमरे यानी पूजा रूम में ये प्रसाद खाती हैं। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं। ध्यान रहे कि जिस कमरे में छठी मैया का खरना किया जाता है, उसी कमरे में व्रती ये प्रसाद खाती हैं। इसके बाद व्रती द्वारा प्रसाद परिवार के बाकी सदस्यों को बांट दिया जाता है। बता दें कि छठ पर्व शुरू होने से कुछ दिन पहले ही व्रती और घर के बाकी सदस्यों को मांस मदिरा लहसुन प्याज का सेवन करना छोड़ देना चाहिए। कहते हैं कि इसके सेवन से छठी मैया नाराज हो जाती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।